किधर कर लो नजदीकी से। हमारे पूर्व महापौर संजय चौहान जी ने बात की है कि हमारा शहर जो है वो सदियों से मतलब बहुत पुराना शहर है और इसमें आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण है, सब में कभी ऐसी बात नहीं हुई। और मुझे एक दो इंसिडेंट्स का याद है कि जब 1984 में इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो उस वक्त भी जो है यहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई। हम उस टाइम यूथ कांग्रेस में थे, मैं यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था स्टेट का, तो हमने पूरी कोशिश की कि जो है वातावरण सौहार्दपूर्ण रहे। हालांकि जो लोग आज जो भड़का रहे हैं वही लोग, वही एलिमेंट्स उस टाइम थे। फिर 1990 की बात करें, 1990 में जब मंडल कमीशन का हुआ तो उस टाइम भी इन्होंने कोशिश की कि हमारे जो दलित भाई हैं और जो दूसरे हैं इनके बीच में एक रिफ्ट पैदा की जाए। तो उस टाइम भी काफ़ी हम पागली में रहते थे तो रोज़ ही वहाँ पर हमें ये संदेश आता था कि जी आज आप पर अटैक होगा, आज यहाँ पर पत्थरबारी होगी, आज ये होगा। तो बहुत हो गया जब ये बात, तो हमने फिर नगर निगम ने ये निर्णय लिया, हमने सब ने जैसे ये कह रहे पीस मार्च हमने कृष्णा नगर में निकाला क्योंकि वहाँ के लोगों को ही भड़काया जा रहा था और कोई भी ऐसी घटना नहीं, और उसके बाद माहौल बहुत अच्छा हो गया। तो ये जो बहुत अच्छी पहल इन्होंने की है, क्योंकि अभी भी जो है कई, अब क्योंकि इनको ये लगता है कि शिमला लेबॉरेटरी बना दिया इन्होंने, क्योंकि यहाँ से माहौल ख़राब करके पूरे प्रदेश में और देश में जा रहा है। आज एक और भी वीडियो कोई आई है कि एक कोई इनकी बी टीम भी काम कर रही है कि किसी तरह जो है वो हिंसा बढ़ के, अब इनका ये पता नहीं कि मकसद क्या है। मकसद तो साफ ही है कि पोलराइजेशन जो इनका काम है वही काम जो है यहाँ पर करना चाह रहे हैं। तो उस बात के लिए हमारे जैसे संजय जी ने कहा कि हम सब का एक प्रयास होना चाहिए, सभी हमारे शहरियों का, और चाहे उसमें कोई भी जैसे कहा चाहे धार्मिक संस्था के हों, सामाजिक संस्था के हों या दूसरे लोग हों, इंटेलेक्चुअल्स हों, एक हमें प्रयास करना है ताकि कोई ऐसी घटना ना हो। और जो ये माहौल रोज़ ख़राब किया जा रहा है, भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं या कोई कोई कभी मंडी से, कभी कुल्लू से या कभी और जगह से, इसको जो है एक हम बिल्कुल बंद करें और अगर ऐसी कोशिश करें ताकि हमारे जो प्रदेश का और शहर का जो माहौल है वो अच्छा रहे और हम सब जो है मिलजुल कर काम कर सकें। और ये बात भी ठीक है कि किसी को भी कहीं भी आने के लिए, भारत एक स्वतंत्र देश है, कोई भी आदमी कहीं का भी हो आके यहाँ पर आ सकता है, अपना कारोबार कर सकता है, अपने और काम कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है, जो भी काम कर सकता है। हाँ, उसके लिए ठीक है उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मगर इस तरह की अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं कि आधार कार्ड नकली हैं, फलां नकली हैं, ये सब बातें जो है झूठ हैं, इसका कोई भी बेसिस नहीं है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ जो है जैसे संजय चौहान जी ने कहा, हम सबको एक प्रयास करना है और उसमें आपका भी सहयोग चाहिए हमें ताकि हम जो है शहर में एक अच्छा माहौल बना सकें और एक जो सौहार्दपूर्ण जो माहौल पहले था उसी तरह जो है हम इस शहर को फिर से एक शांति प्रिय बना सकें। धन्यवाद। फिर से मैं धन्यवाद एक बार अपनी ओर से भी और जो और भी ऐसे संगठन हैं जो नहीं आ जा पाए और इस पहल के लिए जो संजय भाई ने की है, और जैसा सूर साहब ने भी काफ़ी चीज़ें दोनों ने कवर ही कर ली है। मैं तो सिर्फ यही जानता हूँ, यही मानता हूँ कि ठीक है बहुत सारा के समाज में बहुत तरह के तत्व होते हैं, अलग अलग किस्म के, वो हर किसी उसमें हो सकते हैं, चाहे वो समाज में हो, किसी जाति में हो, धर्म में हो, लेकिन क्या शिमला मैसेज क्या देता है या क्या देना चाहता है। एक अगर आप देखें कोई भी, अगर आप कोई इंडिया से है या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रहता है तो एक उसके मन में ये छवि है, उसके एक वो ये देखता है कि एक पीसफुल स्टेट है, पीसफुल कैपिटल है वहाँ की, पढ़े लिखे लोग हैं और हम लोग हिमाचली हमेशा से शुरू से शांति प्रिय लोग रहे हैं। और मैं इस बात से हमेशा ये कहता रहा हूँ कि हम लोगों ने पहले भी, मैंने जो बात कही थी कि प्रशासन ने क्यों और कैसे, उन कारणों में हम नहीं जाना चाहेंगे कि ढील कैसे हुई, क्या हुआ, या बाहर के जो लोग थे अगर उनकी मंशा सही थी गलत थी तो वो प्रशासन का काम है, लेकिन अपने जो बाकी संगठन के लोग हैं उन लोगों से हम लोग यही अपील करते हैं कि आप लोग आइए एक बार, हम लोग पूरे देश को मैसेज देना चाहते हैं कि हिमाचल जैसा था, देवभूमि जैसी है वैसी ही रहेगी, यहाँ पे केवल और केवल सबके लिए इज्जत और सम्मान की ये जो जगह है वो वैसी ही रहेगी। अगर कुछ शरारती तत्व होंगे या ऐसी कुछ गलत मंशा को लेकर के अगर स्टेट में आना चाहते हैं या कुछ ऐसा सोचते होंगे
तो वो भी हम लोग उसको भी सफल नहीं होने देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का भी मदद करेंगे और सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस पर कड़े उनके खिलाफ कदम दे। तो इससे बहुत सारी चीज़ें ये भी होती है कि अगर गलत मैसेज जा रहा है, टूरिज्म पे इफेक्ट पड़ता है, हमारी इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ता है, ऊपर से नाम खराब हो रहा है कि हिमाचल या शिमला के अंदर ये बार बार इतनी सारी जो चीज़ें आए। तो जो अपील हम लोग फिर से कर रहे हैं सभी लोगों से, राजनीति अपनी जगह है और उससे ऊपर उठ करके इस सौहार्द के लिए हर नागरिक, हर बच्चा, हर महिला, हर छात्र, हर बुद्धिजीवी, हर राजनीतिक और गैर राजनीतिक जो लोग हैं उनसे सभी से बस यही अपील करते हैं कि एक बार आओ आप फिर से, हम लोग इकट्ठा होकर के देश को मैसेज दें कि हम लोग पीसफुल लोग हैं, हम लोग ऐसे ही रहना चाहते हैं। और मैं काफ़ी लोगों से वो भी बता रहा था कि अगर आपको ये चीज़ देखनी हो कि कैसे सब लोग रह सकते हैं, तो मैं जिस गांव में रहता हूं तो स्पेशली मैं चाहता हूं कि आप लोग कभी एक बार विजिट करें कि कैसे दूसरे जो समुदाय के लोग भी हैं वो कितने इंटरकनेक्टेड हमारा सोशल और कल्चरल वो है, वो हमारे फंक्शंस में आते हैं, हम लोग उनके फंक्शंस में आते हैं, शादी हो ब्याह हो, और कभी भी कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई। अगर किसी के मन में शंका है तो हमारे लिए भी कानून वही है, हम लोग भी, और एक हमारी भी अपने अधिकार है डिफेंड करने का, ऐसी कभी जब हरकत ही कोई नहीं हुई है। तो इस सौहार्द को बिगाड़ने की प्लीज कोशिश ना करें। और सब लोग हाँ किसी तो किसी भी तरह की, जिस तरह से प्रशासन ने पहल की, अभी कमेटी भी जो बनी है, हम लोग उम्मीद यही रखते हैं कि जो दूध का दूध है और पानी का पानी है वो हो जाए। धन्यवाद। मैं वैसे तो आदर्श सूद जी मेरे से सीनियर है इस शहर में भी, है ना, आपने मुझसे प्रश्न किया है, बिल्कुल आपने सही प्रश्न उठाया। वैध और अवैध, वो जो प्रश्न उठाया जा रहा है वो कानूनी तौर पर तय किया जाएगा, जो हमारे संविधान में जिसको कानूनी तौर पर जिम्मेवारी दी, बिल्कुल ठीक है, हम उसको बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप अभी उस वैध को अवैध करो, पर वैध और अवैध कानून की प्रक्रिया से होगा, वो पूरी जो प्रक्रिया है कानून के तहत उसके तहत उसको करना है। चंद लोग सड़क पे उतर कर ये नहीं कह सकते कि भी अभी जो है इसको गिराया जाए, वो किसी को अधिकार नहीं है वैध और अवैध का। बाकी आपने जब प्रश्न उठाया कि नगर निगम इतने लंबे समय से क्यों, हम भी रहे हैं 5 साल, आदर्शी हमारे से ज्यादा लंबा समय है। आप यदि शिमला के विकास का व्यवस्था आप देखेंगे, शिमला का विकास 3 स्टेजेस के अंदर हुआ है। अब जब आपने प्रश्न उठा ही दिया, ये जनता को भी जानना, पहला विकास हुआ जो अभी आदर्शी ने कहा, टकेंद्र ने कहा, जो 1813 और 15 के बाद जब अंग्रेज यहाँ पर आए, उन्होंने इसको जो है विकास के लिए कहा, वो 6000 अंग्रेजों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 20000 लोगों की आबादी के लिए इस शहर की व्यवस्था की गई थी, जिसमें पानी और सीवरेज और बिजली का यहाँ पर किया गया। धीरे धीरे क्या है जो टिकेंद्र ने अभी कहा, जो सभ्यताओं का कैसे जो है वो विकास होता, धीरे धीरे जब ये हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स का राज रहा, यह व्यापार का एक बड़ा केंद्र बना। आज जो प्रश्न उठाए जा रहे, और आदर्शी मेरे ख्याल बहुत पुरानी व्यापारी कम्युनिटी से हैं इन लोगों का, जो है काफी 3 पुश्तों से ये यहाँ पर, जितना मैं जानता हूँ इससे ज्यादा भी हो सकता, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स के टाइम में एक बड़ा हिस्सा जो है मुस्लिम जो है वो व्यापार का काम यहाँ पर करता था। अगर आप लोरजार के अंदर, मैं अगर ठीक हूंगा संख्या में, 163 दुकानें जो अभी भी वक्फ बोर्ड की है, 600 कुछ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, वो यहाँ पर था। जैसा टिकेंद्र ने कहा 1840 में सबसे पहले जो है यहाँ पर, मैं ये नहीं जस्टिफाई, मैं तो एक प्रक्रिया बता रहा हूँ कि सभ्यता का विकास 1840 में जब अंग्रेजों को महसूस हुआ कि इस शहर को हमने बसाना है, तो जब मजदूर के तौर पर सबसे पहले जो लद्दाखी पठान, कृष्णा नगर का अभी भी पहला जो नाम था वो लद्दाखी मल्ला था जब हम छोटे छोटे थे, और अभी भी वहां पर उस समय से लेकर लद्दाखी मस्जिद है, अगर काली भाई मेरे को ठीक करेंगे, एक लद्दाखी मस्जिद है संजौली में जिसको छोटी मस्जिद करके हम बोलते, क्यों संजौली में, जो ये सारा आपका एजी ऑफिस बना, इसकी खदान जो है वो संजौली का पत्थर उसमें लगा, फिर कौन आए जब लकड़ी का इस्तेमाल हुआ,
कश्मीर से जो ये कश्मीरी है जो आज भी जब दिन को रात को पेड़ गिरता है मैं और आप घर छोड़ के भाग जाते, वो बारिश में काटते। उसके साथ साथ जो यहाँ पर वीविंग का काम था, ये जो ईदगाह है, ईदगाह के साथ जो खादी का जो ऑफिस है वहां पर जो है जो ये थे वीवर्स थे, बुनकर थे, वो वाराणसी से लाए गए यहाँ। आज भी जो शहर के अंदर कारपेट का काम करते हैं ना, ईदगाह में रहते, ये उन्हीं के वो है। उसके बाद जो है, क्योंकि अंग्रेजों के समय से ये जो फल फ्रूट का कारोबार है ये आज सबसे ज्यादा ऊपर से लेकर खरीद बड़े खरीदार से लेकर रेड़ी फड़ी तक आप देश के किसी कोने में चले जाएंगे तो मुस्लिम उसको करता है। अंग्रेज फल फ्रूट के लिए थे, ये यहाँ से लाए। जैसे कृष्णा नगर को बसाने में एक इतिहास है उसका भी, जो यहाँ पर पंजाब से लोग आए हैं उनको भी अंग्रेजों ने यहाँ पर लाया है। धीरे धीरे जैसे जो है इस शहर का विकास हुआ, मैं बता रहा हूँ थोड़ा हमारे को समझना चाहिए। बहुत सारे लोग शिमला में आते हैं और हमारे बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने, आप अपने में से देख लो कितनों के बच्चे बाहर नौकरी कर रहे हैं। तो जो माइग्रेशन है वो माइग्रेशन मानव सभ्यता का अभिन्न अंग है, जिसको सिविलाइजेशन हम कहते हैं। सिंटा जी, बिना माइग्रेशन के कोई दुनिया में विकास नहीं होता है। तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस में हर जगह पे माइग्रेशन हुई है, और मैं भी शिमला पे भी आऊँगा कि शिमला में कैसे माइग्रेशन हुई है। हमारे भी ऐसे बाहर गए हैं, पढ़ लिख के हमारे पास नहीं रिटर्न कर पाते, बाहर जाते। ऐसे बहुत सारे लोग जो स्किल है, स्किल वर्कर यहाँ पर आता है। और भारत सरकार का जो ई श्रम पोर्टल है, आप प्लीज थोड़ा देख ले, मेरे को अभी पता नहीं है, लेकिन एक समय में ई श्रम पोर्टल पे 35 करोड़ लोगों ने रजिस्टर किया, 35 से 40। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि करीब 40 करोड़ बाहर है लोग, घर से जो जाते हैं रोजगार के लिए। तो फॉर हेवन से ये जो बात कहना कि भाई वो बाहर के अंदर के, ये आप ये भाषा ही गलत है। एक्चुअली हम भी बाहर जाते हैं और बाकी लोग भी आते हैं। और कौन शिमला में आया? कोई 5 दिन पहले आया, कोई 50 दिन पहले आया, कोई 500 साल पहले आया, इससे ज्यादा कोई नहीं। हर कोई शिमला में आया है। और दो जो मेजर ठकुराइयां थी उनका तो कैंप ही नहीं था शिमला, वो एक कोटी थी और एक जुनगा था, तो दोनों के अलग थे। और शिमला में थोड़ा आप देखो भी कि बसाया कैसे गया है, मतलब जो गोरों ने बसाया है कृष्णा नगर जो कार्ट रोड से नीचे, सिर्फ इसलिए कि एक सेक्शन वर्किंग क्लास का उनको वहां चाहिए था तो वहां बसाया। खान 150 साल पहले वहां से लाए क्योंकि फ्रेट ढोना था, तो पोर्टर लाए, 1000 से ज्यादा पोर्टर लाए क्योंकि पूरा फ्रेट ही उस पर चलता था। कंस्ट्रक्शन वर्कर उसी तरह से लाए और लेबर हॉस्टल बनाए। और आप जो यंग पत्रकार हैं, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा लेकिन मुझे अच्छी तरह अपने उसमें पता है, ऑफकोर्स आदर्श जी तो पुराने हैं, फर्स्ट मेयर हैं शिमला के, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर सरकार का लेबर ऑफिसर बैठता था लेबर हॉस्टल देखने के लिए कोई वायलेशन तो नहीं हो रही है। तो ऐसे माइग्रेंट्स का शहर है एक्चुअली शिमला। माइग्रेंट्स कौन है? पहले अंग्रेज आए, फिर हमारे लोगों को लाए दूसरी जगह से, चाहे फिर पेशावर से आए, जो पार्टीशन हुआ तो बहुत ज्यादा लोग पेशावर से आए। आज पेशावर के बहुत सारे लोगों का बिजनेस पे पूरा कंट्रोल है यहाँ पर। और इस वक्त सिरमौर, हम मजाक कर रहे थे कि आने वाला टाइम होगा सिंटा जी तो 30 जो है ना आगे डीसी एसपी सब सिरमौर के ही होंगे। ऐसे ही होता है, ऐसे ही रिक्लेम किए जाते हैं शहर, ऐसे ही आगे बढ़ा जाता है। तो ये जो एक भावना पैदा करनी कि हम यहाँ के और कोई बाहर का है, ये गलत भावना है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि ये जो पूरा हम शहर में देख रहे हैं कि ये जो चल रहा है, पहले भी इस शहर में हुए हैं। और मैं भी हमिद अंसारी साहब से मिला, मेरे स्कूल के भी सीनियर हैं, उन्होंने कहा ये टिकेंद्र क्या, तो वो बता रहे थे कि क्योंकि वो एडवर्ड्स में पढ़े, बोला हमें उस वक्त जब 47 का पार्टीशन हो रहा था तो वो स्कूल ने बचाया तब, लेकिन शहर बाउंस बैक किया। तो हमारी ये है कि ये बाउंस बैक करेगा शहर, क्यों? क्योंकि ये माइग्रेंट्स का शहर है, हम सब माइग्रेंट हैं। मेरे जो आए, मतलब मैं कोई 45 साल पहले आए हैं, सिंगटा जी आप मेरे ख्याल मेरे से भी छोटे, आप 30 साल पहले आए होंगे। सिंगटा जी इसलिए कि सिंगटा जी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इनमें कॉलेज हम साथ रहे हैं, कोई बुरा नहीं। ऐसे हम सब लोग तो आए हैं ना अपना रोजगार ढूंढने, टिकेगा नहीं तो कहीं और जाएंगे। ऐसे ही शहर चलते हैं, तो हर कोई यहाँ पर आए हैं और ऐसे ही कुछ बसेंगे कुछ नहीं बसेंगे। और एक मेरा दोस्त है चिन्मय तुम्बे करके, IIM प्रोफेसर है, अगर बहुत ज़्यादा किसी को इस पर पढ़ना हो तो वो ज़रूर उसकी इंडिया मूविंग किताब पढ़नी चाहिए। वो बताता है कि कैसे पूरा हिंदुस्तान मूव करता है, मतलब इतने मुल्कों की आबादी नहीं है जितने हमारे लोग ट्रेनों में होते हैं, तो ये और 40 करोड़। तो ये भाषा एक है। तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये बड़ा, मतलब इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंसिडियस, मतलब बहुत ही खतरनाक और जहरीला माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। ये आपसे भी अपील है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो। जैसे मुझे भी ऐसा शक था, आप ही के माध्यम पता लगा कि आधार कार्ड फ्रॉड है,
हमने कहा क्यों कोई फ्रॉड आधार कार्ड बनाया, बाद में पता लगा कि वो तो आधार कार्ड ही मतलब कुछ डेटा में प्रॉब्लम थी। तो ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, और क्यों, क्योंकि आप सब हमारे जैसी जो उम्र के, चलो बच्चे तो बाद के हैं, लेकिन हमारे बच्चों को हम सिंगता जी क्या देंगे, नफरत तो नहीं दे सकते हम इस शहर में, क्या उनको आगे बिल्ड करेंगे। तो मेरा ख्याल इसलिए ये जो पीस मार्च है, हम उनको क्या सिखाएंगे, हम सिखाएंगे कि मिलकर शहर बनते हैं, मिलकर लोग जहां जहां से भी आते हैं तब शहरों का निर्माण होता है। हिस्टोरिकली सिर्फ ये नहीं, दुनिया के शहर हम बताते, लेकिन इस समय इतना तो अभी ये हमारा शहर है, हम यहाँ पले बड़े हैं, हम ऐसे ही, हमने क्लास में कभी नहीं देखा, अपने क्लास में ये माहौल अभी जो हो गया कभी नहीं देखा, कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का, कभी ये था ही नहीं, लेकिन अभी ये कैसे आ गया, ये मतलब अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए आपसे बहुत अपील है, और हम और सेक्शन में भी जो लोग हैं उनको भी हम चाहेंगे कि इसमें आए, बहुत लोग चाह रहे हैं कि आए, क्योंकि वो मतलब थोड़ा पहचान रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझ रहे, वो समझ रहे हैं। एक बार ये एक हद के पार हुआ तो सच और झूठ में कुछ नहीं रहता। और मैंने वो बताया भी है कि वो जो पूरा चल रहा है, अब मैं आपको क्या बताऊं, आप चाहे बोलिए, 5 मंदिरों को तो सिंगता जी जो फॉरेस्ट में हमने दिए पानी के कनेक्शन, क्या करोगे आप, फॉरेस्ट में BCS का भी ये सुन, ऐसे ही चलता है ना, लोग आते हैं, बहुत सारे लोग हमारे लोग आएंगे कि जी हमने वहां पूजा अर्चना कर रहे, कब से कर रहे, तो हमने दिए, हमने पॉलिसी बदल दी, पॉलिसी क्या बदली, हमने बोला कि भाई जहां भी कम्युनिटी टैप है कम्युनिटी टैप के नाम से, ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलता है। तो मतलब लेट्स नॉट, मतलब इतना भी खोदने की कोशिश ना करो कि उसमें पता लगे कि हमारे ही स्केलेटन है यार वहां पर, तो हमारे ही मतलब पड़े। तो इसलिए शहर में और बहुत सारी है जिन इश्यूज पे लड़ना चाहिए, जिन इश्यूज पे आगे आने चाहिए, लेकिन ये थोड़ा चिंता का विषय है, और आपसे भी हम ये मतलब मैं दिल से कह रहा हूँ, थोड़ी सेंसिटिविटी होना इसमें जरूरी है, और 27 को तो है ही है, इसमें और लोगों को भी शामिल करेंगे। आपके अगर कोई सवाल है वो भी हम एक मिनट। गंगा के निर्माण में एक मजदूर से लेकर सफाई कर्मचारी से लेकर बड़े बिल्डर, बड़े व्यापारी, छोटे कारोबारी से लेकर इस शिमला का निर्माण किया, शिमला की कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है ये आजादी है। तो इसको जो है जब सभ्य और उसमें संविधान के तहत लोकतंत्र में संविधान के विचार करो, पर जनता के लोकतंत्र में भीड़ तंत्र को जगह नहीं दी जा सकती। ये शिमला के अंदर जैसा आदर्श जी ने कहा, मैं बिल्कुल नहीं इन्फ्लुएंस कर रहा हूं, कमिश्नर के कोर्ट को नगर निगम एक्ट के तहत इसमें कार, फिर जब हिंदुस्तान आजाद हुआ ये तो पंजाब का हिस्सा था, 71 में बना, 71 के बाद जब कितनी इलीगल की आप और हम नहीं जानते सर क्या है। तो लेट्स नॉट कन्फाइन क्वेश्चन सेंसिटिविटी। तो यहाँ पर कम से 50 मंदिर है फॉरेस्ट में बढ़े, मैं आपको बता रहा हूँ, और अगर मैंने चलाया आपको तो मैंने जिसमें जिस इमारत की बात आ कर, जब 2017 में सरकार ने, हमने भी उस टाइम का, क्योंकि 4